हर पति पत्नी की इच्छा होती है कि उसका पुत्र या पुत्री इस संसार में सबसे सुंदर और गुणवान हो, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। किसी के बच्चे बीमार तो किसी के मंदबुद्धि होते हैं। कई बच्चे तो कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह देते हैं, जिसे लेकर लोग कहते हैं कि उसकी आयु उतनी ही थी, जबकि आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि इसका संबंध उसकी आयु से ज्यादा उसके माँ के गर्भधारण से है। शास्त्रों के हिसाब से देखें तो महिला अगर सही समय पर गर्भ धारण नहीं करती, अगर ऋतुकाल या महावारी और बिना तिथि और नक्षत्र का विचार किए गर्भ धारण कर लेती है, तो उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र कई तरह की परेशानियों से ग्रसित होता है। यहाँ तक कि न सिर्फ उसके जीवन में समस्याएं आती हैं, बल्कि कम उम्र में ही वो दुनिया को अलविदा कह देता है। मनुस्मृति में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ऋतुकाल या महावारी, जिसे अंग्रेजी में पीरियड कहते हैं, उस दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं। इस दौरान पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऋतुकाल के चार दिनों के बाद स्त्री शुद्ध होती है, लेकिन उसके बाद सात दिनों तक पूजा पाठ नहीं कर सकती। इस दौरान अगर कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान की आयु कम होती है। उसे अपने जीवन में भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे अपने माँ बाप के जीवन में ही दुनिया को अलविदा कह देते हैं, किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि माँ बाप की एक गलती के कारण कम आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। गर्भधारण को आजकल लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में गर्भधारण 16 संस्कारों में से एक है। जो भी पति पत्नी पुत्र या पुत्री की कामना करते हैं, उन्हें संबंध बनाने से पहले कई रीति रिवाजों को मानना होता है। ऋतुकाल से 8वीं, 14वीं या 16वीं रात गर्भधारण के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ऐसे समय में गर्भ धारण करने से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप दीर्घायु, गुणवान, भाग्यशाली, व्यवहार कुशल और कुल का नाम रोशन करने वाली संतान चाहते हैं, तो ऋतुकाल से 14वीं रात्रि को गर्भ धारण करना चाहिए। हालांकि इस दौरान आपको ये ख्याल रखना होगा कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार का दिन ही हो। कभी भी मंगलवार, शनिवार और रविवार को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन उत्पन्न हुई संतान कुल को आगे नहीं ले जा पाती, बल्कि कुल का नाश करती है। अगर आप कुल का नाम रोशन करने वाली संतान चाहते हैं, तो इन तीनों दिन गर्भ धारण से बचें। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि उस दिन तिथि कौन सी है। अष्टमी, दशमी या 12वीं तिथि ही गर्भ धारण के लिए शुभ मानी जाती है। अगर आप पंचांग देखते हैं या शास्त्रों का ज्ञान है, तो आप नक्षत्रों के बारे में जानते ही होंगे। गर्भ धारण में नक्षत्रों की भी बड़ी भूमिका है। 27 नक्षत्रों में रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य, स्वास्तिक, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और तीनों उत्तरा यानी उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ही गर्भ धारण के लिए शुभ हैं। अन्य किसी नक्षत्र में अगर आप ऐसा करते हैं, तो संतान के अलावा माता को भी काफी कष्ट होता है। कई पति पत्नी की लाख कोशिशें और इलाज के बावजूद भी संतान की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। ऐसे लोगों के लिए शास्त्रों में कई तरह के पूजा पाठ बताए गए हैं। हालांकि आज के इस विज्ञान के युग में कोई उन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन कहते हैं जब व्यक्ति हर तरफ से थकार जाता है तो भगवान की शरण में ही आता है। और आज भी आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शास्त्र के मुताबिक आचरण तो करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में ऐसा नहीं कर पाते। इन्हीं बातों को जानने के बाद तीन बातों का आपको और ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर कोई भी महिला गर्भ धारण करती है, तो उसे ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। पति पत्नी को अपनी कुंडली किसी विद्वान से दिखवाना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कब से कब तक उनकी कुंडली में चंद्रमा बलवान है। इसके अलावा लग्न स्थान, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हैं या नहीं। गर्भ धारण के दिन सुबह उठकर पति पत्नी दोनों को पूजा पाठ करना चाहिए, मन से भगवान की आराधना करनी चाहिए और जिस तरह के संतान की इच्छा हो वैसी कामना करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा के बाद अपने पूर्वजों की पूजा जरूर करनी चाहिए। उस खास दिन के मौके पर पति पत्नी दोनों की सोच सकारात्मक होनी चाहिए और गर्भ धारण के बाद महिला को पूरे 9 महीने तक शास्त्र के अनुकूल नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पति पत्नी गर्भ धारण के वक्त जैसे विचार मन में लाते हैं, वैसी ही उन्हें संतान प्राप्त होती है। हो सकता है ये सारी बातें सुनकर आप ये सोचें कि आज के जमाने में इतना ध्यान कौन देता है, धर्म से जुड़ी इन बातों का कौन पालन करता है। तो आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएं कि कलयुग में ऐसा करने वाले कुछ ही लोग बचने वाले हैं। ऐसा शास्त्रों में पहले ही लिखा जा चुका है। इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों के मुताबिक आचरण करने से व्यक्ति सुखी और समृद्ध होता है, लेकिन आजकल लोग ऐसा नहीं करते। इसलिए धर्म का पालन करने वाले, बड़ों की बात मानने वाले, उनका आदर करने वाले और समाज सेवा का विचार रखने वाले
कम ही लोग धरती पर बचे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।